فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ इधर 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 इधर
हमारे जनाब कब हसन साहब की तशरीफ लाए बहुत बड़ी तादाद में औरंगाबाद से। मैं जनाब सैयद कब हसन साहब का तहे दिल से खानवाला मदीना अकबर की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं। हजरात, इस सरजमीन लखनऊ पर पहली मर्तबा हमको आने का शरफ हासिल हुआ है। चूंकि यासूब भाई का हुक्म था तो उसको अमल में भी लाना जरूरी था। मुलायदा फरमाए फातिहा।
शियान-ए-हैदर-ए-कर्रार का मजमा है, बतौर खास समातम
ये कैसी
شعر بطور خاص اندھیرا کیوں نہ ہو تربت کے اندر اندھیرا کیوں نہ ہو تربت کے اندر بغضِ علی ہے اور تم ہو کہ ایک بغضِ علی ہے اور تم ہو اندھیرا
के गम में निराली दुश्मनी है और तुम हो तुम्हें
लहू शानू भाई नवता से पखली बैरजी साहब बाकर साहब कौशल
चार साल धर्म भाई बनगांव से सब तशरीफ ला चुके हैं। मैं फर्दर फर्दर एक शब्द का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर बेताम भाई हूँ तो क्या मैं मजलिस शुरू कराने जा रहा हूँ। जो हजरात भी है जहाँ पर भी है आ रहे हैं, बेताम हजौरी साहब से गुजारिश है। बेताम भाई कहाँ है? बेताम हजौरी साहब नहीं। चलिए हमारे जनाब आ रहे हजौरी साहब बच्चन एक एक कदा, क्योंकि हमारे पास दर्द बहुत कम है और मजलिस का आगाज होने जा रहा है। हमारे अक्कर अब्बास अक्कू साहब शानू भाई से गुजारिश है आ गया पर देखिए कदा आइए। लग बहुत कम आइए दिल की गहराइयों से भरा इंसाने सवाब चार छह मिसरे। कोई बंदिश न कोई सीमा है, कोई बंदिश न कोई सीमा है, नाम है दर जुबा के लाना है, कब्र में नाज़े अली पढ़ना है, जलवा है दर का पाते रहना है। कोई बंदिश न कोई सीमा है, मौत तो है रज़ा आया है उसको जाना है, बाकी की मेहनत है इबादत है, इस हकीकत को सबने माना है, मौत तो है रजा बहाना है, अब तो कर वो बना के साए में अपने दम को हमें भुलाना है, मौत वो सच है रज़ा जिसको सबको एक दिन गले लगाना है, जो भी आया है उसको जाना। जनाब चांद भाई साहब साथ में जाएं ये कदम पर चांद भाई साहब आ जाएं से जरा बुलंद शहर से चांद भाई साहब सलाम फिर दोस्तों से
लेकिन किसी यजीद से रिश्ता न जो के मुताबिक सिर्फ चार में से फकीर शान का लश्कर नजर नहीं आता, फकीर शान का लश्कर नजर नहीं आता, सितमगरों का कोई घर नजर नहीं आता, फकीर शान का लश्कर नजर नहीं आता, सितमगरों का कोई घर नजर नहीं आता। और हुसैनाबाद अलीगंज हर जगह साहब, मौजूद मौलाई हलौनी साहब, ये अफसर हलौनी हर
अफसर हम लोगों के साथ सब पहुंचे वगैरह पहुंचे हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा जानकी ने खतीब अकबर आली जनाब मौलाना एजाज अथर साहब से कि वो आए और बहुत ही मुख्तसर वक्त है हमारे पास और अपनी तकलीफ का आगाज करें। मैं मोमिनीन किराम से कहूंगा कि मजलिस शुरू होने जा रही है, फर्श मजलिस पर जो हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि फर्श मजलिस पर तशरीफ ले। हजरात उलमा खुतबा शुरा हजरात और मोमिनीन सलाम अलैकुम, मैं सिर्फ आपकी खिदमत में आप हजरात की तशरीफ आवरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अज़हर साहब के पांचवीं बरसी की मजलिस और खतीबुल इरफान मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद इशफाक़ साहब की दूसरी बरसी की मजलिस मुरतब हो रही है। हमारा पूरा खानवादा आप तमाम हजरात का बहुत ज्यादा मशहूर है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हर मौके पर शिकस्ता दिलों की तस्कीन की और आप हर मौके पर हमारे साथ शाने से शाना मिला के खड़े हैं। मैं बराबर ये बात आपके खिदमत में अर्ज करता हूं कि वो हजरात जो इतने दूर से तशरीफ लाते हैं सफर की सहूलतें बर्दाश्त करते हुए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत में और यह खतीब अकबर और खतीब उरफान इनको आपने किस हैसियत से जाना और किस हैसियत से पहचाना। देखिए हमारा खानवादे का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ सैयदुल शुहदा के जरिए से है, हमारी शिनाख्त हमारी पहचान हमारा तशख्स जो भी खतीब अकबर या खतीब उरफान या मेरे खानवादे का रहा वो इस मिंबर के वसीले से है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वसीले से है। लिहाजा आपको मालूम है किस तरीके से गांव गांव बस्ती बस्ती शहर शहर करिया करिया पूरी जिंदगी खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अज़हर साहब और खतीब उल इरफान मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद इशफाक़ साहब अपने को पहुंचाते रहे, जिन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि मौसम कैसा है सवारी का इंतजाम कैसा है। आज तो वो दौर है अल्हम्दुलिल्लाह कि छोटी छोटी बस्तियों तक गांव तक पक्की सड़कें बनी हुई हैं और लोगों के पास अच्छी अच्छी सवारियां हैं, लेकिन खुद वालिद मरहूम ने भी अक्सर इस बात का जिक्र किया और जो हजरात आप में हैं वो इस बात को जानते हैं कि किस किस तरीके से वो गांव गांव बस्तियों बस्तियों मजलिसों को खिताब करने के वास्ते तशरीफ ले गए। कई फड़फड़े से जा रहे हैं, बैलगाड़ी से जा रहे हैं, बस्ती में पहुंचने में देर हो गई है, जो आखिरी बस्ती रात की वो भी जा चुकी थी, अब अंदर गांव तक पहुंचना था कैसे पहुंचे रात है। मालूम यह हुआ कि वो एक ऊंट आ रहा है वो गांव तक के जाएगा, ऊंट पर सवार होकर के बस्ती तक के पहुंचे। बहरहाल ये आप तमाम हजरात की मोहब्बत है जो आप हजरात तशरीफ लाते हैं, हमारे पास अल्फाज नहीं है, हमारे पास कोई जुमले नहीं है जो हम आप अल्लाह की तशरीफ आवाजी का आदमी का शुक्रिया अदा करें। और फिर अहले लखनऊ मोमिनीन लखनऊ जिन्होंने हर मौके पर चाहे वो जनाजा हो सुयूम हो चालीसवें का मौका हो या और निशाने सवाब की मजलिसें हों उसमें शिरकत की, इसके अलावा तमाम अंजुमने
इरादे जिन्होंने हर मौके के ऊपर हमारे शिकस्ता दिनों को तस्दीक दी। मैं आप हजरात का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और अपनी बात को तमाम कर रहा हूँ, मुख्तसर कर रहा हूँ कि देखिए इलाका हुसैन अलैहिस्सलाम के दर से वाबस्ता रहे और एक बात अक्सर वो मजलिसों में पढ़ते थे खदीब अकबर कि देखिए तीन चीजें हैं जो बुनियाद और असास है आपकी, दुश्मन इसको टारगेट किए हुए है, निशाना बनाए हुए है, इसको आप ना फरामोश कीजिएगा। अगर आपने इसको फरामोश कर दिया, अगर आप इससे गाफिल हो गए, अगर आपने इसको भुला दिया तो समझ लीजिए कि आपका तशख्स खत्म हो जाएगा। दुश्मन इसको टारगेट किए हुए है कि ये चीजें अगर खत्म हो गई तो फिर उसने आपको जेल कर लिया। वो कहते हुए कि तीन चीजें हैं, एक फिदक है, दूसरे गदीर है, तीसरे करबला है। सऊदी राने गिरामी, ये हमारे तशख्स है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान। इन अल्फाज के साथ मैं एक मरतबा फिर आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसी के साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम आयतुल्लाह मुंतजिर मेहदी साहब से मिलाकर कि जो ऐसे आलम में कि जब दुनिया में लॉकडाउन है अक्सर मकाम पर अक्सर मुल्कों में, ऐसे आलम में ऐसे हालत में वो हमारी नई आवाज पर लबैक कही, हमारी दावत को उन्होंने कबूल फरमाया और वो ईरान से यहाँ हिंदुस्तान तशरीफ लाए। इसके लिए मैं आयतुल्लाह मुंतजिर मेहदी साहब कबीला का अपने पूरे खानवादे की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात मैं गुजारिश करूंगा कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब जो आज हैं यहाँ, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब। हजरात आयतुल्लाह मुंतजिर मेहदी रिजवी साहब गुज़िश्ता 40 बरस से हौज़ा इल्मिया कुम्मे मुक़द्दस ईरान में है और आपने वही तालीम हासिल की है कुम्मे मुक़द्दस में, जब से खारिज कह रहे हैं आप लोग अमरीका कनाडा गल्फ के ममालिक में पूरी दुनिया में मुसलसल मजालिस आज़ाद को खिताब करने जा रहे हैं, मगर एक खसूसियत मैं बता दूँ उसके बाद मजलिस का आगाज कर दूँ। अजय कैप्टन सिकंदर की सवाल ये उनकी खसूसियत ये है कि हालात कैसे भी हो, माहौल कैसा भी हो, जमाना कैसा भी हो, आयतुल्लाह मुंतजिर मेहदी ने दुश्मनान अहले बैत से कंप्रोमाइज नहीं किया। दुश्मनान अहले बैत से हाथ नहीं मिलाया कि ये मौका नहीं है, ये मसलहत नहीं है, ये हालात नहीं है, ये माहौल नहीं है, लिहाजा इस वक्त यहां पर चुप रह जाइए। अहले बैत के मामले में अगर आप यहां पर चुप हो गए, अगर मैं मैशा हूं वहां खामोश हो गए तो गया, तो क्या कब्र में कोई नहीं आएगा, ना वहां कोई मौली साहब आएंगे, ना कोई अल्लामा आएंगे, ना कोई मर्जा तकलीद आएंगे, वहां आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ मासूमीन आएंगे। लिहाजा इनके मसले पर कभी किसी से कंप्रोमाइज न की जाए, यही खतीब अकबर और खतीब उल इरफान का भी मैसेज है कि हालात जैसे भी हो, खतीब अकबर ने अपनी किताब तहरीर की है, अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री लिखी है उन्होंने, उन्होंने ऑटो बायोग्राफी लिखी है, इंशाल्लाह हालात बेहतर होते ही करीब करीब वो कंप्लीट है। हम तीन जगह उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, हम पहला उसका रस्म इजरा बैनुल हरमैन करबला में करेंगे, बैनुल हरमैन करबला में करेंगे, क्योंकि हम वहां खतीब अकबर के जितने दोस्त दुनिया भर में फैले हुए हैं हम उनको सबको आसानी से करबला बुला सकते हैं, क्योंकि यहां करबला मसा है। दूसरा रस्म इजरा हम बंबई में करेंगे जहां खतीब अकबर ने 58 बरस मजलिस को खिताब किया, और तीसरा रस्म इजरा इस अदा के शहर
इरफान की याद में एक कलेक्टर निकाला है, हर साल निकालते हैं, और हर बात यह है कि उसकी उस कैलेंडर की डेट गलत नहीं है। अब्दुल्ला मुंतजिम यदि रिजवी आलमिया शिया मुर्तजा बोर्ड के सदर हुज्जतुल इस्लाम अलीगढ़ मौलाना साहब मेहदी तकवी साहब के हाथों इसका रस्म इजरा होने जा रहा है और उसके बाद में इसका आप लोग सब ले बस को दिखा बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात ने इतनी मसरूफियात के बावजूद जबकि हमें मालूम है काफ़ी मजालिस हैं काफ़ी चालीसवें हैं सिद्धू है उसके बाद भी इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ से फरमाए मैं फर्दन फर्दन पूरे मुल्क से आए हुए मुल्क के कोशे से आए हुए एक एक मोमिन का हमारे खतीब अकबर की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं गुजारिश करूँगा आयतुल्लाह मुंतजिर मेहदी रदवी साहब किबला जो कौम मुकद्दस ईरान से तशरीफ लाए कि वो आए और मजलिस को खिताब करें और ये कैलेंडर इंशाअल्लाह बाद में मजलिस आपको यहाँ से दस्तयाब होगा आप उसको ले सकते हैं। अवधा पढ़ाए सलावात से उनका स्तर पर पानी भी बोलो ना इसको चाहिए डाल दो चलो यहाँ नीचे रह आप सभी हजरात एक मरतबा सूरह हम्द तीन मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की तलावत फरमा के कि इन दो बुजुर्गवार खतीब अकबर और खतीब अल-अवतान के रूह को बख्श दीजिए। ما
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه وغديره ووسيئه وخليفته مخطئ بكل قاضب غالب كل غالب مولانا علي بن علي القاضي وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أظهر الله عنهم الرسالة وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صلوات के साथ मनहूस और दुश्मन इंसानियत के फरेब जिससे आप सब लोग मुतासर हैं, लेकिन इस हालत में भी मोहम्मद वाले मोहम्मद रहम सलात व सलाम मोहब्बत और उनकी अकीदत और इखलास में ये जमा होना ये आसान काम नहीं कि जिसका अजर सिवाय उसकी ज़ात के कोई पता नहीं कर सकता। अब जाहिर है कि ये मजलिस बहुत ही आपके दिल के जज्बात और उन मरहूम की ख़ास तौर से दिली अकीदत के लिए है कि खुद ईसाल हो जाए उनको और मैं अपनी देरीना आदत के मुताबिक ये खुद मरने वालों का तस्करा मिंबर से नहीं करता सिवाय मोहम्मद वाले मोहम्मद के। लाए है कि जो कि मोहताज हों तारुफ के, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है कि मोहताज तआरुफ हो। खुद ये दो बुजुर्गवार के ज़ात और ज़िंदगी रोशन वाज़े और मारूफ मशहूर दिलों में बैठी हुई, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। जो मोहताज हों उनके लिए भी नहीं कहता मिंबर पे आने के बाद, तो इसलिए कि मिंबर सिर्फ अली के लिए और मिंबर बनाया ही गया है गदीर में, इसलिए कि अली इब्न अबी तालिब को दिखाना था, उनको पहचानवाना था,
की मारफत करवानी थी तो रसूल ने हुक्म दे दिया मिंबर राय मिंबर मखसूस है। अब उनसे मुताल्लिक जितनी बातें हैं वो सब मिंबर से हों। अब वो जिसको खुदा मान रहे हैं तो जाहिर उस खुदा का जिक्र जो है मिंबर से होगा, इसलिए कि उन्होंने ही ऐलान किया है कि हम किस खुदा के मानने वाले हैं और किस खुदा के जानने वाले हैं। तसव्वुरात आपके कुछ भी रहे हों, आप अपने अवहाम से बशरियत इतने ज़्यादा अंबिया औलिया औसिया तशरीफ ले आए पहचनवाए बताए, मगर उसके बावजूद सब ने अपनी ही तस्वीर कायम की खुदा के बारे में। किसी ने नबियों की सुनी न औलिया की सुनी न औसिया की सुनी न रसूल की सुनी, जिसके जो समझ में आया उसने अपनी तस्वीर खुदा के लिए कायम कर दी। और अली इब्ने अबी तालिब ने बताया कि जितना ही सोचते समझते और बुलंदी का एतराफ करते चले जाओ बनाते चले जाओ, ये सब सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र है, अल्लाह कहीं इससे भी ज्यादा अकबर है, मावरा है, बुलंद बरतर है। जो आप समझ रहे हैं वो आपकी तस्वीर है और आपने मुसव्वर कर दिया है, आपने महदूद कर दिया है, और जो महदूद किया उसने अल्लाह को न पहचाना, उसने अल्लाह को न जाना। तो सही मानों में मारफत खुदाबंदी अगर कोई कर सकता है हालत इम्कान में कुव्वत इम्कान में, तो सिर्फ ज़वात मोहम्मद व आल मोहम्मद हैं कि जो हकीकी मानों में मारफत खुदाबंदी वही कर सकते हैं और वही बयान भी कर सकते हैं, उन्हीं में कुव्वत और ताकत है। इसलिए कि बयान का ताल्लुक ज़बान से है और ज़बान का ताल्लुक अफकार से है और अफकार का ताल्लुक अक्ल से है और अक्ल का ताल्लुक कल्ब से है। जब तक ये साफ और पाकीदा और बुलंद और बरतर और बेहतर ना हो उस वक्त तक ना अफकार साफी होंगे और ना ही पाकीदा होंगे और ना ही बयान में जिला आएगा। बयान जो है वो खुद मौलाई ने फरमाया कि जबान जो है आईना कल्ब है। पता चलता है जबान खुली तो मालूम हो गया कि आप कौन हैं और कहाँ के हैं, क्या फिक्र रखते हैं, क्या तरीका गुफ्तगु है। और इसीलिए अल्लाह ने दूसरी अजमत इल्म के बाद बयान ही को दी है, अल्लमा कुरान वअल्लमहुल बयान। ज़ाहिर है कि बयान बाद में सिखाया है, इल्म पहले दिया है, इसलिए कि जो दिया है उसे अब ज़बान पे आना चाहिए। तो ज़बान दी और ज़बान के साथ बयान दिया। तो अब ये सर जो है वो सिर्फ उन्हीं को ज़ेबा है, उन्हीं के पास है, उन्हीं का कलाम, उन्हीं के अल्फाज, उन्हीं के मानी व मताले और उन्हीं के लिए है। गर्चे हिदायत है पूरी दुनिया के लोगों के लिए, लेकिन कौन समझता है, कौन जानता है। अल्लाह ताला खल्क किया बनाया सिर्फ इसलिए कि उसको पहचाने और उसको पहचानवाए। पहचानना और पहचानवाना ये दो काम है, इसीलिए बयान दिया, पहचानने के लिए इल्म दिया। जब इल्म होगा जानेंगे तो धीरे धीरे जानने से पहचानेंगे, और जब जान होगी थोड़ा थोड़ा, जान तो आप भी रहे हैं, देख रहे हैं सूरत, जान रहे हैं एक बशर है एक इंसान है, सब जमा लगाएगा
مظلوم جب عادات ہو ادوار ہو رفتار ہو گفتار اور چیزوں سے واقفیت پیدا کریں گے جزیات جانیں گے دھیرے دھیرے تب پہچانیں گے اور پھر اس پہچان میں جو ہمارے عادات ہو ادوار ہو رفتار ہو گفتار جو دنیا دیکھ رہی ہے اور دیکھے گی اسی سے پہچانے گی دھیرے دھیرے تو جس کو اچھا لگا وہ اچھی پہچان رکھے گا جس کو برا لگا وہ بری پہچان رکھے گا اب دونوں ایک ہی بات کہیں گے اگر آپ پوچھئے کہ پہچانا ہی نہیں تو وہ بھی کہیں گے ہاں ہاں ہم تو ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہمارا سوال ہر سال کا رہا دیتا ہے ہم تو بہت قریب سے جانتے ہیں اور اگر ذرا سا تلخ تجربہ ہوا ان کا ہم سے اچھا ان کو کون پہچانے گا عبارت تو ایک ہی ہے مگر انداز فرق کر رہے ہیں اور یہی انداز بتا رہے ہیں کہ ان کی حالات زندگی کیا ہے اور یہ کس طرح کے ہیں اب میں کسی کو کچھ نہ کہوں گا دنیا میں ہر فرد ایسے ہی پہچانا جاتا ہے ایسے ہی جانا جاتا ہے تو آپ نے پہچان لیا کہ پہچان کسے کہتے ہیں اور آپ نے جان لیا کہ جاننا کسے کہتے ہیں تو جاننا اور پہچاننا اور جیسے ہی جیسے ہی آپ پہچانتے چلے گئے ویسے ہی مانتے چلے گئے جب جب آپ کو پہچان پیدا ہوئی اور آپ کی پہچان اچھی ہوئی نزدیک ہوئی تو جیسے جیسے پہچانتے گئے ویسے ہی مانتے گئے جاننے کا نام علم ہے پہچاننے کا نام معرفت ہے اور اسی طریقے سے جاننے پہچاننے سے جب ماننے لگے آپ تو ماننے کا نام ایمان ہے اب آپ ایمان لے آئے ماننے لگے آپ اور اسی مان میں اور اسی معرفت اور پہچان میں جتنی پختگی پیدا ہوتی چلی گئی ویسے ویسے یقین بڑھتا چلا گیا اور جب یقین اپنے منزل عروج کو پہنچا تو اس نفس کو اطمینان پیدا ہو گیا کہ جو پہچانا تھا صحیح پہچانا تھا جو جانا تھا صحیح جانا تھا اور جو ایمان لے آئے تھے صحیح ایمان لے آئے تھے جیسے ہی نفس کو پختگی پیدا ہوئی اور اطمینان آیا ویسے ہی اس نے کہا نظروں کے سامنے سے پردے ہٹتے جائیں تب بھی میرے ذرہ برابر فرق نہیں آنے والا یقین میں ایک خلوات کو ہے محمد لال محمد
عرش العظیم صاحب عرش عظیم آئے تو کیا تم سمجھ رہے ہو کہ اسے خلق کر دیا گیا تم کو کس لیے بنایا گیا؟ اب دنیا بھر کے تمام باتیں جو ہیں ان کو سمیٹ کر کے آیات اور روایات ایک آیت سامنے کر دی جاتی ہے اور واضح ہے روشن ہے کہ ہاں بالکل بنایا اس لیے ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ما خلق الجن والانس الا ليعبدون کا اس آیت کا جواب یہ آیت ہے۔ آپ کو سوال وہاں سے ملا، جواب یہاں سے ہے۔ اب جب اس نے کہا کہ ہم نے خلق نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں، تب عبادت کے معنی ہے کہ خلقت کا پہلو جو ہے آپ کا وہ ایسا ہے کہ ایسی عبادت ہو کہ ہر وقت مقصد و غرض خلقت ادا ہو رہی ہو۔ پیدا اس لیے کیا ہے کہ اس کی عبادت ہو، تو ہر وقت ہر آن ہر لمحہ ہر وقت سر مقصد خلقت و غرض پوری ہو رہی ہو۔ چلے ہم عبادت کرتے ہیں، گرچہ میں بار بار کہا کرتا ہوں پورے دنیا میں مجالس میں کہ سمجھتے رہے عبادت کریں، اور انہوں نے کہا دوڑیے اذان ہو گئی سجدے میں چلے جائیے نماز پڑھیے، اس لیے کہ یہ عبادت ہے اللہ کی۔ اور رمضان کا حج کریے، زکات دیجیے، خمس دیجیے، جہاد کیجیے، روزے رکھیے، زکات دیجیے، یہ سب عبادت ہیں۔ عزیزم بہت وقت نہیں لینا چاہتا، یہ عبادت نہیں ہے، یہ سب ذریعہ عبادت ہے۔ یہ عبادت نہیں ہے، یہ سب ذریعہ عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت تو کچھ اور ہے، اسی لیے تو وہاں پہ بھی جا کے کہتے ہیں قربتن علی اللہ، ورنہ اس سجدے کا کوئی اعتبار نہیں، نہ اس رکوع کا اعتبار، نہ اس قیام کا اعتبار، صرف اسی لیے قربتن علی اللہ۔ اصل عبادت کچھ اور ہے، روح عبادت کچھ اور ہے۔ روح عبادت، اصل عبادت اطاعت پروردگار ہے۔ اصل عبادت، روح عبادت اطاعت پروردگار ہے، وہ کچھ اور ہے۔ ہر آن ہونا چاہیے، ہر لمحہ ہونا چاہیے، محضر میں ہو تب بھی ہونا چاہیے، غیبت میں ہو تب بھی ہونا چاہیے، ہر طریقے سے ہونا چاہیے۔ لہذا یہ عبادت نہیں، ذریعہ عبادت ہے۔ اور نہ یقین آ رہا ہو تو یہاں سے تصدیق لے لو کہ ایک شب میں 1000 رکعت پڑھتے تھے، ایک شب میں 1000 رکعت پڑھتے تھے مولائے کائنات امیر المومنین، لیکن جب پیغمبر نے کہا کہ آج لیٹ کے سو جاؤ میرے بستر پر، توجہ کریں، تو پیغمبر نے کہا لیٹ کے سو جاؤ بستر پر، تب تو ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہیے سرکار آئے اس لیے ہیں آپ کہ عبادت کروائیے اللہ کی، میں 1000 رکعت پڑھتا ہوں، یہ 1000 کا کیا کروں گا، یہ 1000 کیا کروں گا، آپ تو سنا رہے ہیں یہ 1000 کدھر جائے گا۔ توجہ کریں، یہ نہیں پوچھا، حکم پیغمبر ہوا لیٹ گئے بستر پہ، تب دنیا کو بتا دیا یہ عبادت نہ سجدے کا نام ہے، نہ رکوع کا نام ہے، نہ تسبیح کا نام ہے، عبادت اطاعت پروردگار کا نام ہے۔ اور اطاعت پروردگار بغیر رسول کے اطاعت کے ممکن نہیں ہے۔ صلوات پر محمد علیہ وسلم۔ ٹی وی کے سامنے ہو اور ڈرائنگ روم میں ہو تو تبلیغ یاد نہیں آتی ہے، تب امر بالمعروف بھول جاتے ہیں، تب نہیں منکر نہیں کرتے ہیں، ہم ان سے بہت پریشان ہیں، امر بالمعروف نہیں منکر والوں سے، کہ یہ جہاں مجمع دیکھا امر بالمعروف نہیں انل منکر، ارے تم نے اپنے کو بھلا دیا، توجہ کرے، تنسون انفسکم، کیا تم نے اپنے کو بھلا دیا، اپنے پہ امر بالمعروف کرو۔ تب یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو موقع ہے، ابھی تو وقت ہے، یہاں پر دکھائیے آپ اپنی تنہائی میں اطاعت،
अपने हाथ से और अपने कल्ब और दिल से बहुआ मिन्ना वो मुझ में से है। तो ये है इबादत, ये है, ये असल इबादत है, ये रूह इबादत है। दादा लेकिन गए और अब दुनिया पूछेगी क्या है, ये है कि वो है कौन अफजल कौन मफजूल। मैं तो मैं पढ़ना नहीं चाहता, छेड़ना नहीं चाहता, सब ये कि मुझे तो सारी बातें करनी है। अब ये पूछते रहते हैं कि कौन, अब ये सोचिए कि कौन जो है वो 1000 रकअत पढ़ने वाला जिसमें 1 रकअत में 2 सजदा और 1 सजदे का वजन किसी को पता नहीं जान सकता कि वजन क्या है 1 सजदे का, नहीं समझ सकता। पूरी कायनात अगर मिल जाए तब भी तौल नहीं सकती, दावा नहीं है दलीलें हैं, तौल नहीं सकती, जान नहीं सकती, समझ नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि सजदा बहुत बड़ा अम्र, सजदा बहुत बड़ा फेल, सजदा बहुत बड़ा ये अमल अली इब्ने अबी तालिब का है। एक छोटे से अमल को नबी ने फरमाया कि ज़र्बतु अहलिहि जिक्र है, जो कहते चले जाए वो जिक्र है, ये सब कुछ भी नहीं है। जिक्र
अल्लाह ने जो रखा है वो मोहम्मद और आले मोहम्मद है। इनका जिक्र, अल्लाह का जिक्र ये है कि इनके जिक्र में अल्लाह की याद है, इनके बयान में अल्लाह की याद है, और इनकी जात में अल्लाह की याद है। तो देखिए अल्लाह याद आए, इनके तमाम हालात को पढ़िए अल्लाह याद आए, यानी अल्लाह जो है उसके तक पहुंचने का राज सिर्फ ये है। और यही हो सकते हैं तो बहुत आसानी है, आप किसी भी चीज को ले आइए, संग सभी चीज जो है अल्लाह की मखलूक है, सभी चीज को अल्लाह ने खल किया है, बनाया है, तो सारी चीजें जो है वो अल्लाह तक पहुंचाने वाली हैं। जब ये नहीं है तो सबके समझ में आता है, लेकिन जब आले मोहम्मद का नाम लीजिए चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। ऐसे कहिए कि सूरज अल्लाह का पता दे रहा है, चांद अल्लाह का पता दे रहा है, सबके समझ में आता है, कि आसमान अल्लाह का पता दे रहा है, फिर हाँ जो अल्लाह बनाया है, अल्लाह ने कुदरत की, अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा यहाँ पे होता है। लेकिन जैसे कहिए कि अली की जात, खामोश हो गए, अब अल्लाह याद नहीं आ रहा है, अल्लाह अकबर। और अली ये कह रहे हैं कि अल्लाह की कोई आयत मुझसे ज्यादा बड़ी नहीं है, कोई आयत मुझसे ज्यादा बड़ी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब चांद देखो, सूरज देखो, और तुम ये आसमान देखो, ये जमीन देखो, ये कायनात की हर शय को अलग अलग देखते रहो, जो जो याद आए, जो जो समझ में आए, वो सब खालिस मुझे देख लेने में याद आएगा, समझ आएगी पूरी कायनात सुनती। क्यों? इसलिए कि ये सब मारिफत रखते हैं, ये सब इनकी मारिफत रखते हैं, ये सब इनको पहचानते हैं, ये सब इनको जानते हैं। अगर पहचानते नहीं थे तो कैसे इशारे पे तरफ चले आते थे, अगर पहचानते नहीं थे तो कैसे ये पत्थर हाथ पर बोलने लगते थे, अगर पहचानते नहीं थे तो कैसे ये जानवर दौड़ के कदमों पे सजदा करने लगते थे, अगर ये पहचानते नहीं थे। अब आप देखिए तो आपको है कि आप साहिब अकल हैं, आप साहिब फहम हैं, आप साहिब ज़का हैं, आप पहचानते हैं। अजी यहाँ तो हैवान भी पहचान रहा है, पत्थर भी पहचान रहा है, हाँ यह है कि सितारे भी पहचान रहे हैं। अगर पहचानते नहीं तो जमीन से खड़े होकर इशारा करते तो दो कैसे हो जाते हैं। ये बता रहा है कि पहचान रहा है, जो हुक्म हो रहा है अदा करता जाता है। अगर पहचानता न था तो उंगलियों का इशारा किया, इधर गुरू हो रहा था, उधर फौरन फिर चला गया, ये कैसे चला गया। ये इस बात की दलील है कि ये पहचानता है, इशारों को पहचान रहा है। अरे तुम्हारी अकलें हैं, तुम्हारी फिक्रें हैं, उसके बाद तुम कलाम नहीं पहचान पा रहे हो। ये दुनिया की चीजें इशारे पहचान रही है। अल्लाह हुजूर पर्दे की बात पर्दे में रह जाए। सामने किसी ने उंगली का इशारा किया, किसी ने हाथ का इशारा किया, किसी ने आंखों का इशारा किया, या पर्दे में सब कुछ किया, कोई इशारा नहीं। जब उनकी हाथ में भी अजबा रहा, समझ और आप जो है किसी के बाप की जागीर नहीं है, अल्लाह ने दिया है यकीनन समझो, मगर 40 साल देने लगे हुए हैं तो हमसे ज्यादा समझने लगे। क्या समझ में कैसे है भाई, इतना बड़ा सितारा, इतना बड़ा होकर के कहां ये आ जाएगा छोटा। अबे तेरी अकल में आ जाता तो ये मौजदा कैसे होता, मजा कैसे होता। मौजदा को जब कहते हैं जिसमें आजीब रह जाए अब्दुल्ला। और यही तो खुदा बता रहा है कि कोई कितना बड़ा हो, कायनात का कोई कितना बड़ा हो, जब डर सैयद है तो सब छोटे हो जाते।
बात है मोहब्बत, मोहब्बत क्या है? अब हम बड़े तंग नजर बोले दिल में होती है, बस दिल में है दिल में रहती है। अरे कैसे होती है, किससे होती है मोहब्बत? क्या है मोहब्बत? कहते हैं किसी शय की तरह, किसी शय का रगबत पैदा करना, ये है मोहब्बत। रगबत शय है शय, किसी चीज का किसी चीज की तरह रगबत पैदा करना। मैं हद अदब है, आज दिन भर देखते हैं इनको उनसे मोहब्बत, उनको इनसे मोहब्बत, इनको उनसे इश्क, उनको इनसे इश्क, क्योंकि यही चीज दिख रही है, चीज पसंद आ गई है, रगबत पैदा हो गई है। अब अल्लाह का मुझे मोहब्बत, तो मैं किस चीज से मोहब्बत करूं? या अल्लाह बता तू, जो दिखाई दे ताकि रगबत पैदा हो, तो दिखाई दे तो रगबत पैदा हो। अब जो दिखाई देगा तभी रगबत पैदा होगी ना, तब ना दिखाई देगा। अगर दिखाई दे जाए तो खुदा नहीं, अगर दिखाई दे जाए तो खुदा नहीं। चंद बावले चाह रहे थे देखना, और कह रहे थे हजरत मूसा से कि कहो कि दिखाई दे हमको, लेकिन नहीं चंद थे ना, कह रहे थे मुझे कहो कि दिखाई दे। अल्लाह ने कहा है मूसा इनसे कहो कि नहीं दिखाई देंगे। अल्लाह दिखाई नहीं दे सकता, लंदरानी या मूसा, तुम लोग बिल्कुल हरगिज नहीं देख सकते। अरे मूसा कम से कम तुम तो जानते हो। अल्लाह क्या करें, ये कौम परेशान किए है, इस कौम की वजह से कहना पड़ रहा है। अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे देखते ही समझ में आ रहा है कि मूसा सब जवाब जानते हैं, लेकिन मुंतजर है अल्लाह के जवाब का। तवज्जो करें आप, अंबिया इसे कहते हैं, औलिया इसे कहते हैं, जानते सब हैं मगर मुंतजर हैं। जब तक इजाजत न हो अगला जुमला कैसे अदा करें, इसलिए इंतजार में है। अरे या अल्लाह ये कौम है, क्या करूं? मैं नहीं देख सकता, हर किस नहीं देख सकता। कहा क्या करूंगा, कर ले आ दिखा दे इनको, अगर देख सकते हो तो। अब जब देखने की बात आई, तो अब देखने की हालत आई तो कैसे देखते? बस इतने ही लिखा कुरान ने, एक जर्रा फतजल्ला रब्बहु, एक जर्रा तजल्ली किया, और उसके बाद मूसा भी उलट गए। कौन तो दिया पाचा हो गई, कुछ पता ही नहीं कौन किधर गया। तो जब तजल्ली हुई एक मिनट के लिए अल्लाह अकबर, तो फिर ये काब ना ला सके, ये देख न सके, तो यही तो घटा नहीं देख पाओगे। बातें ही हुई ना, इतना सादा रोशन। अब मैं जो कहना चाहता हूं, आप सबको सुनते ही रहते हैं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो भी उसका दावा है कि ला यद्रुक अल-अबसार, आंखें देख सकती नहीं, आंखें नहीं देख सकती हैं जरा बराबर, मगर कुरान की लफ्ज़े हैं कि मूसा जो है बस है जिनको ऐसे हुआ और मूसा जो है परेटे गिर गए, तो आंख बंद हो गई, छका चौंध हो गए, देख ना पाए। अब सवाल ये है कि आंख जब खुली हो और सूरज की तरफ देख रहे हो आप, और आंख खुली हो जैसे ही देखा बंद हो गई, इसी को छका चौंध कहते हैं ना। जब रोशनी ज्यादा हो और आंख आधी खुली हो फिर बंद हो गई। तो मेरा इतना ही सवाल है कि जितने सेकंड दर सेकंड दर सेकंड अगर जो है उसके अंदर आंख खुली रह गई, तो कुछ तो देख लिया होगा, कुछ तो देख लिया होगा। और वो कह रहा है देख नहीं सकते हो। या अल्लाह मेरी बात पहुंची कि नहीं पहुंची है? अगर कुछ भी एक लम्हे का
देख सकती और मूसा ने उतना नहीं सही देख तो लिया जितना देखा ये बता रहा है कि वो रही आसम है कि मिन अजमत नूर ही खलक अल्लाह हो अनवार अल्लाह ने अपनी अजमत नूर से पैदा किया था। इसीलिए इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया धोखा ना खाना ये तुम्हारे जैसे है, ये धोखा ना खा लेना तुम्हारे जैसे होमा जाहिर होमा बशरियत जाहिर इन दोनों के ऐसे हैं कि बशर नजर आते हैं जाहिर होमा बशरियत बातिन होमा लाहूतियत और बातिन इनका नूरानी है बातिन इनका मलकूती है ये नूर मुजस्सम है तो जाहिर बशर देख लेना क्यों इसलिए ईमान ने जवाब दिया कि क्यों ऐसा किया गया अल्लाह ताला जाल अल्लाह अल्लाह ने इनको रख दिया होमा इन दोनों को कि हया कलिन्ना सूतिया इंसानों की हैकल और सूरत में ताकि इंसान जो है वहशत न करे ताकि इंसान जो है वो देख सके अयतीको ताकि ये कुवत पैदा कर ले ताकि इनको देख सके इनकी आंखें वरना नूरे इलाही का मुशाहिदा मुमकिन नहीं है। तवज्जो करें आप खुदा कहीं नहीं आ सकता और नजर नहीं आएगा आपको हर जगह है खुदा को कोई देख नहीं सकता हर जगह है उसका नूर ऐसे जाहिर ना होगा कि तुम सिमट लो या तुम महसूस कर लो या तुम उसमें हित पैदा कर जाओ है हर जगह मगर एक जगह ऐसी है जहां पर मोहम्मद अपनी असलियत को जानने वाला था और जब असलियत को पहुंचने वाला हुआ तो कहा आओ अब आगे आओ तो पहचानने वाला कह रहा था कि मैं अपनी हकीकत जान रहा हूं तो इसलिए कि तू अपनी असली हालत पर जाएगा तो यहां न कुवत रह जाएगी न ताकत रह जाएगी न ये पर रहेंगे न हम रहेंगे। अल्लाह अकबर अब इससे बेहतर मैं क्या समझाऊं आपको ये इतना बुलंदी पर है इतनी बुलंदी पे है कि न इसे कोई देख सकता है न इसे कोई समझ सकता है ये किसके सफात हैं अल्लाह के सफात हैं कि न देख सकते हो न समझ सकते हो। मेराज पर मोहम्मद जैसे ही पहुंचे एक हज के बाद मासूम आंखें भी नहीं देख पाएंगी एक हज के बाद मासूम फिक्रें भी नहीं समझ पाएंगी। अब वो बुलंदी पे पहुंचा तो अगर इससे आगे बढ़ा तवज्जो करने तो मैं खत्म हो गया मैं चला जाऊंगा। अब यहां पर एक लतीफ बात है हमारे असातीज दरमियाने दर्द कभी कभी बातें कह दिया करते थे और वो बातें याद रह जाती थी तो अब उसमें ये लतीफ मसला है कि यहां अल्लाह कह रहा है यासराउ बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरीहु मिन आयातिना हम इसको ले गए रात और रात और ले कौन गया जिब्रील लेके गए रात और रात हम इसको ले गए लेकिन ले जिब्रील गए असला इसके और कुछ न था कि आप यही कहें कि जिब्रील का फेर अल्लाह कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर जिब्रील जो करे वो अल्लाह कर रहा है अल्लाह के हुक्म पर कर रहा है मलक है आप कैसी बातें कर रहे हैं कितना आसान है जिससे भी पूछ लीजिए जिब्रील का फेर अल्लाह का फेर है क्यों कहा इसलिए कि अल्लाह के हुक्म पे कर रहा है। अल्लाह अकबर जिब्रील करे अल्लाह अकबर जिब्रील करे तो अल्लाह का फेर है अल्लाह अकबर आप तवज्जो करें अगर उस अहले जिब्रील करे अल्लाह का फेर नहीं है सरवर पर मोहम्मद सकता है बात आ गई बीच में ठहरा जा रहा हूं मलक जो है मलकुल मौत अब क्या हुआ कहा कि मौत का मलक है ये जो है मुर्दा कर देता है और फिर यही जब मौत करता है मुर्दा रूह कब्ज कर लेता है तो यही फिर जिंदा भी कर देता है ये कैसे कहा कितनों को देखा जिंदा होते इसने कि यही ने मौत दिया इसी ने रूह लौटा दी तो वो मुर्दा जिंदा हो गया तो ये मलक जो है इसमें इतनी सलाहियत है कि ये मुर्दा को जिंदा भी कर दे
इसमें इतनी सलाहियत है कि ये किसी को मौत भी दे दे। अल्लाह अकबर, मुलाहिदा करें आप, ये है कौन? उनका मलक है। अब्बा सलमान ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने आंखों से देखा है, मैं गुजर रहा था, मैंने कहा जरा सा मैं ज़ियारत कर लूं। जैसे ही दर खुला देखा, अंदर सर किया तो देखा सैयदा सो रही है, चक्की चल रही है, चूल्हा झूल रहा है, तो मैं घबरा के बाहर आ गया। या रसूल अल्लाह, क्या है? आपने कहा पहचाना कौन था? कहा कोई नहीं दिखाई दिया। कहा दिखाई कैसे देता? जिब्रील चूल्हा जला रहा था, दिखाई चक्की चल रहा था। देते हैं।
इसे आगे नहीं जाऊंगा, यहीं से नीचे उतर आऊंगा। आप अंदाजा करें कि ये कौन है। आप पूछ रहे थे आपकी सूरत दिख गई, अब ये समझ में आ गया। आप मुलाहिजा कीजिए, ये जो समझ लीजिए कि लारत में मलाया बेसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश को तर इस किताब के अंदर मौजूद है। लाशगर वाला अकबर, कोई असगर अकबर नहीं है, कुल सैयन हर शेर के अंदर है, सब चीज मौजूद है। अब आपका जहन और अकीदा ये कह रहा है कि जो अल्लाह का इल्म था सब इसमें है। और अगर मुदल्लल भी कर देता हूं कि ताकि आपका अकीदा और मजबूत हो जाए, मगर भी कहूंगा अब यह अकीदा आपका है कि हर चीज जो है वो सब इसमें है। इसलिए कि मां से अल्लाह, अल्लाह के अलावा सब चीज है और हर चीज इसमें है। ना कुल कहा है ना, तो हर चीज इसमें है, तब सब इसमें है। तो आप ये समझ रहे हैं सारा अल्लाह का इल्म ये है, और इसलिए आप कह रहे हैं आले मोहम्मद जो है सारे अल्लाह के इल्म के मालिक हैं। अल्लाह अकबर। अगर यहां तक रह जाऊं तो ये मुकसरी है। मैंने आले मोहम्मद को पहचान तो लिया कुछ, तवज्जो करो तवज्जो करो, आले मोहम्मद को तो पहचान लिया कुछ, लेकिन अल्लाह की पहचान कम कर दी। तवज्जो करो, हम कम करने नहीं आए हैं, हम बढ़ाने आए हैं। जो तुम्हारे पास नहीं है वो देने आए हैं। चाहे तबड़ा लगाओ चाहे तबड़ा लगाओ, कोई नफ्स ये नहीं जान सकता कि कौन से जमीन पे मरेगा। अरे भैया रात मुलाकात हुई थी, यही मिले थे, सुबह खबर आ गई, अरे वो तो लंदन पहुंचे हुए थे, क्या हुआ, कहां हार्ट अटैक हो गया, मर गए। अरे मरना था तो यही मर गए होते, वहां कैसे मर गए, अरे जाना नहीं चाहिए था। अरे जाना क्यों नहीं चाहिए था, उसने अपनी मशीयत और तकदीर से पहुंचाया वहां। मरना वहां था जो तुझे नहीं जानता था, किसी को नहीं पता। तमाम चीजें जो है वो अपनी जगह पर, चीजों से मावरा वो सब इल्म खुदा में है। एक नहीं दसियों
और उसने जो जाहिर कर दिया है वो ये है, वो ये है। मैं चाह रहा था कि आगे न जाऊं, पता नहीं आप लोग आमादा हैं नहीं है, सलवार पढ़े हो मलवार। वो ये है जो जाहिर कर दिया है, वरना बहुत कुछ छुपा हुआ है, ठीक है, बहुत कुछ छुपा हुआ है जो उसके पास है, मगर जो जाहिर कर दिया वो ये है। जाहिर जब करेगा तो मसीहत में आएगी बात, जाहिर जब करेगा तेरा दिल में आएगी बात। बात समझ में आई कुछ या नहीं आई, इशारों से खेलना चाह रहा था लेकिन लगता है नहीं समझे गया। याद रखो सात प्रोसेस हैं। पहला मर्तबा सब उसके इल्म में है, सब उसके इल्म में है, मौजूद हो माकूम सब उसके इल्म में है, ये पहला मर्तबा। दूसरा मर्तबा उसके इरादे में आया, दूसरा मर्तबा उसके इरादे में आया, तीसरा मर्तबा उसके मशीयत में आया, चौथा मर्तबा उसके अजल में आया, पांचवा मर्तबा उसके कदर में आया, छठा मर्तबा उसकी अदा में आया, सातवां मर्तबा उसके इज्न में आया। और जैसे ही इज्न में आया वैसे ही वजूद में आ गया। अब समझ में आया, वजूद में आने के लिए सात दर्जे हैं। पहला उसके पास है, कोई भागीदार नहीं, कोई हिस्सेदार नहीं, कोई शरीक नहीं, सब कुछ उसके पास है। और फिर वो इरादे में आया, फिर वो मशीयत में आया, फिर वो अजल कदर में आया, फिर वो अजल में आया, फिर वो कला में आया। अब सबको तो समझ रहे हैं ना, यानी ये कि जब इरादे में आया, इरादा किया उसने, उसके इल्म से इरादे में आ गया, जब मशीयत आई उसकी, उसके मशीयत में आ गया, और जब उसने कदर मकदार मुअय्यन किया तो कदर में आ गया, जब अजल मुअय्यन की कितने दिन रहना है इसको, कितनी मुद्दत है, अजल में आ गया, और जब उसने फैसला किया या किसे वजूद में लाना है तो कदर में आ गया, और जब उसने हुक्म दिया एक दिन तवज्जो करें आप, तो फिर वजूद में आ गया। समझ में आया आपके, ये वजूद में आ गया। अब जब तक उसके इल्म में है, जब तक वजूद में ना आए, जब मौजूद होगा तो जो लोग करीब हैं उन्हें मालूम होगा। भाई इन्होंने बड़ी पब्लिसिटी की, इस लॉकडाउन में इन्होंने इतनी पब्लिसिटी की, ये बैनर लगाए, ये किए, कितने जो है मीडिया से सब कुछ किया, मगर है कितने, अच्छा कितने को इल्म है, अभी कितने ऐसे होंगे जिनको इल्म ना होगा, इतनी पब्लिसिटी के बाद इल्म नहीं हो पा रहा है। तो आप सोचे अल्लाह के जैसे ही वजूद में आया था जल्दी कैसे इल्म में आ जाएगा, तो जो करीब होंगे उनके इल्म में आएगा, जो कुर्बत रखते होंगे वो जानने पाए होंगे, अब उनके इल्म में आ गया। जब मौजूद होगी तब हमारा इल्म ताल्लुक पैदा करेगा, जब चीज मौजूद हो गई तो हमारे इल्म में आ गया, और जब मौजूद नहीं तो हम जानते नहीं। हो गई बात, मुलाहिजा कर लिया आपने। अब हमारा इल्म सातवें दर्जे पे जाके जब इज्न पाया तो इल्म ताल्लुक हुआ, और उसके बाद कैफियत ये है कि कुछ ऐसे बुलंदतर हैं कि जो वजूद से पहले भी जान जाते हैं, तो वो कैसे जानेंगे, उनका वो ऐसे जानेंगे कि अल्लाह ने उनको अपने मर्तबे में रखा है। अब वो वजूद आने से पहले अल्लाह ने सब कुछ कर लिया, आखिर में कहा इज्न, जैसे ही इज्न कहा उन्होंने इज्न दिया, चीज मौजूद हो गई। तो जब इज्न दिया तो मौजूद होने से पहले जान गए ना, तभी तो इज्न दिया है ना। अब वो कौन है, तखल्लुको बितैर तखल्लुको तैरम बिइज्निल्लाह, ऐसा आप तायर को खल करते हैं अल्लाह के इज्न से, है ना। तो ईसा जो है इज्न खुदा से पैदा कर रहे हैं, मौजूद कर रहे हैं, मौजूद नहीं था, इज्न की मंजिल थी, ईसा जान गए, इज्न दिया पैदा हो गया। तो जो कर रहे हैं हर बात में, तो ईसा का छठा दर्जा हो गया, इस छठे दर्जे में इसका इल्म है। ईसा को कुरान ने बयान किया, आपने सुना और मुतवज्जे हुए, अब अजमतें पहचानी है आप, ये छठे दर्जे पे हैं। 124,000 अंबिया में एक को हटा के सबके नो
باوجود ان کو علم ہو گیا, لیکن بھولیے گا نہیں سب اللہ کے پاس. جیسے ہی ارادہ کیا تو اس کے علم سے نکل کے ارادے میں آیا, اور جیسے ہی مشیت کیا مشیت میں آیا. اب جو ارادہ و مشیت ہوگا, ایک گھنٹہ حدیث سنائی جعل اللہ ہو قلوب الائمہ, اللہ ائمتین, اللہ جو ہے قلوب ائمہ کو کیا بنائے موردن لارادت اللہ, اللہ کی ارادہ کی جگہ. تو محمد و آل محمد ارادت اللہ ہے, محمد و آل محمد مشیت اللہ ہے, ارادہ و مشیت کے مالک ہے, سب اس کے علم میں ہے. جیسے ہی نکلا ارادے میں آیا, جیسے ہی نکلا مشیت میں آیا, محمد علی محمد جان گئے. ورنہ اور جو جانے وہ سب قرآن میں ہے, یہ سب کے مالک ہیں, وہ خدا ہے, یہ بندے ہیں. آپ لہذا کریں کہ کتنی بلند عظمتیں ہیں, ان سے بلند اور برتر کیا عظمت ہوگی کہ ہر چیز انبیاء نہیں جانتے, اولیاء نہیں جانتے, اوصیاء نہیں جانتے, لیکن یہ سب جانتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آپ اندازہ کریں کہ یہ عظمت کتنی بلند ہے. اور ان انبیاء سے پائیں تر ملک ہیں, ملک سے انبیاء افضل ہیں. یہ تمام مسلمانوں کا اتفاق, ملک سے انبیاء افضل ہیں. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اور آپ کو بالغی کے لیے اتنا کہتا چلوں, چونکہ آپ سوئیں نہیں کہ کیسے اور کیسے نہیں, ظاہر تمام انبیاء جو ہیں وہ افضل ہیں ملک سے. کبھی افضل مفضول سے مدد نہیں مانگتا, کبھی نہیں مانگتا, کبھی مانگے گا نہیں. کس لیے کہ شان کے خلاف ہے, پریسٹیج کے خلاف ہے. چاہے جتنا گر جائے, جب منجنی پر رکھ کے پھینکنے لگے جبریل سامنے آئے, کیا کوئی ضرورت ہے مدد کروں؟ کیا مدد کی ضرورت ہے مگر تم سے نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ مفضول سے افضل نہیں مانتا. جس سے ضرورت جو افضل ہے ان سے مانگیں گے. تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ انبیاء افضل ہیں. اللہ اکبر, ابھی بھی نہیں آیا حضرت سے نیچے. اگر نہیں آیا تو اتار لینا اس کے بعد. ایک جنگ میں پیغمبر کے سامنے کچھ صحابیوں نے آ کر کے, اور بڑے بڑے نامور صحابی آ کر کے آنکھیں اٹھائیں اور کہا یا رسول اللہ, لوگ کہتے ہیں کہ علی کا قدم ایسے ہی معلق تھا اور ہاتھ میں ان کے در تھا. تو یا رسول اللہ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ قدم ایسا ہی تھا, ماننے ہم نے تو نہیں دیکھا. لوگ کہتے ہیں لیکن ہم دیکھتے کب جب ہوتے, نہیں کہتے رہے ہیں.
की बुलंदी कोई क्या समझ सकता है और क्या जान सकता है। शाना भी ऐसे नहीं करना पड़ा और नीचे आ गए, इतना बुलंद है। अरे एक रवायत में ये है, शाह फजल दहलवी ने भी लिखा कि पैगंबर ने पूछा ये अली कितने बुलंद हो, ये अली कितने बुलंद हो। फरमाया या रसूल अल्लाह अगर चाहूं तो अर्श झूलूं। शाह फजल दहलवी ने अपनी किताब में लिखा कितने बुलंद हो, उनका या रसूल अल्लाह चाहूं तो अर्श झूलूं। अल्लाह अकबर, अर्श झूलूं कितनी बड़ी फजीलत है। आपने भी वाबा किया, सबने किया और करना भी चाहिए। जहां तक रहे वहां तक तो कम से कम समझने का सबूत दें, उतना तो बताएं है कि नहीं है। अब उसके आगे की बात अलग है, करके तुमने अर्श झूलूं तो क्या कोई फजीलत है? अर्श छू लेना कोई फजीलत है? अली वहां से अगर अर्श छू लें वो भी नबी के ऊपर बुलंद होकर के, तो ये कौन सी फजीलत है? क्योंकि आपके दिमाग की इंतहा का नाम अर्श है। अल्लाह आपके दिमाग और फहम के इंतहा का नाम अर्श है, इसलिए अर्श ताबीर कर दिया। बैला लाया कैलैया तहे, हम तक तो कोई अकल भी नहीं पहुंच सकती है। तो आया ना, तो आपकी इंतहा अर्श थी इसलिए अर्श कर दिया। मरना वहां तो ये था कि या रसूल अल्लाह क्या बताऊं, अजब नहीं अली ने कहा हो। क्यों? इसलिए कि अर्श तो वो मकाम है जहां रोंते हुए रसूल अल्लाह भी निकल गए थे, तो वो तो कदमों के नीचे था, तो वो कौन सी बुलंदी है कि जिसे छू ले। अब ये पलटने का अगर कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के और नीचे रसूल अल्लाह के। कोई मकाम नहीं है। अगर इतने फजाइल सुन लिए और दिल में बैठ गए तब अब कहे कि वो चाहिए कि हर आन हर लम्हा हर वक्त हर उस अजीब वक्तों में भी जो है वो इबादत होता रहे। हमने नमाज पढ़ी और बहुत पढ़ते हैं, हाँ नफला भी पढ़ते हैं और बहुत से नफले पढ़ते हैं दिनों रात सही दिन। आज जितना भी करें वाजिब पांच ही किया, वाजिब पांच ही किया और हल किस लिए किया कि इबादत करो। नफरत तो जिन्ना वाल इंसाई का लाया बजून, हल किस लिए किया कि इबादत करो और पढ़ा पांच ही मरतबा। सुबह को दो रकात और जब उठ गए तो फिर सो गए और फिर दोपहर में उठे तो फिर आठ रकात, चार रकात फिर उसके बाद सो गए और फिर चार रकात असर में सो के उठे तो फिर, और फिर उसके बाद मगरिब में और फिर शाम में और फिर सो गए फिर सुबह में। यही एक ऐसी इबादत जो हमेशा है और एक तो जिंदगी में एक ही दफा, और उसके बाद जकात जो है जब होए तो, और रोजा जो है तीस दिन है, तो ये सब महदूद हो गए ना, ये सब महदूद हो गए ना। अब मेरे लफ्ज की चाशनी लेना कि मैंने कहा था ये इबादत नहीं है, ये जरिया इबादत है। बनना है तो हर लम्हा होना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए, हैरान होना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए, सोते भी हो जागते भी हो अल्लाह हो अल्लाह अकबर। इताअत भी जो होती है सोने में कम हो पाती है, जागने में रहती है। अब कोई ऐसी चीज आ जाए
ईमान इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत है। अरे क्या रसूलुल्लाह क्या है? अल्लाह के आगे अल्लाह की मोहब्बत है। अब बोलिए आप अल्लाह के आगे, अल्लाह के आगे कुछ भी नहीं, रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं, अब मोहब्बत आपके आगे सिर्फ अल्लाह की। असली इबादत ये है, जैसे आप बोलते हैं नमाज के आगे कुछ भी नहीं, तो हम तो रूहे नमाज की बात कर रहे हैं। नमाज तो जाहिर सूरत है, रूहे नमाज हुब्बुल्लाह अल्लाह की है मोहब्बत, असली इबादत कर अल्लाह की मोहब्बत। अब भूले तो नहीं है आप, यहां मोहब्बत कैसे करेंगे? मोहब्बत हो ही नहीं सकती उस वक्त तक जब तक चीज सामने ना हो। अल्लाह तवज्जो करें आप, बस खत्म में मजलिस, बस और कुछ भी नहीं, जब चीज सामने है तभी मोहब्बत। तवज्जो कर रहे हैं आप, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। रगबत शय, यही कहा था ना, तो बात को तमाम करना है, जब चीज सामने हो खुदा सामने आ जाए। तवज्जो करें आप, तो खुदा नहीं रह गया, अब खुदा सामने आ नहीं सकता। मोहब्बत होनी है तो कुछ सामने हो जो खुदा की हो, तभी तो मोहब्बत होगी। तवज्जो करें आप, अब ये ढूंढिए हदीसों में कि इसी को क्यों हाईलाइट रसूलुल्लाह ने किया, किसी की लम क्यों रखी कि हुबानी है, हुबानी है, हुबानी है, अरे इसी को क्यों? तवज्जो करें आप, किसी और को ले आ नहीं, इसलिए कोई और अल्लाह का ना हाथ है, ना अल्लाह का पैर है, ना अल्लाह का पहलू है, ना अल्लाह का पहलू है, ना अल्लाह का नस है, ना अल्लाह का चेहरा है, सिर्फ यही है। अल्लाह ने कहा यदुल्लाह या अली, यदुल्लाह अंत जम्बुल्लाह अंत ऐनुल्लाह, हम अहला करें आप सब कुछ अली, तवज्जो करें आप, नफ्सुल्लाह सब अली, सब कुछ अली हो गए। अब अली की मोहब्बत असल है, यही मोहब्बत इबादत है, इनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत यही इबादत है। अब इनकी मोहब्बत आई तब अल्लाह की मोहब्बत आई, तब अल्लाह की मोहब्बत के बाद सजदा आया, और आया ना, अब ये नमाज नमाज हुई। अब नमाज बार बार कहता पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अरे 24 घंटे मिंबरों से चिल्लाओगे कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो कितना पढ़ेंगे लोग? पहले समझाओ तो कि कैसी नमाज, कैसी नमाज, पढ़ लो नहीं, पहले समझो फिर समझाओ, और उसके बाद तब कहने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही छूट जाएगा कि ऐसी नमाज। इसकी मोहब्बत में, इसकी मोहब्बत को लिया और सजदे में चला गया। खत्म कलाम है, बस बातें आती जाती रहती हैं। आप अंदाजा करें कि ये स्ट्रक्चर जो है जाहिरी है, ये स्ट्रक्चर जाहिरी है, अब जो जिसका दिल चाहे कह लेता है अपने फहम के मुताबिक, लेकिन उसको चाहिए कि सुधारना चाहिए, जहां तक पहुंचे उससे आगे वाला बताए कि यहां तक ठीक आए तुम, लेकिन थोड़ा बहके, अब शैतान तो बहकाएगा, वो कहेगा जब इन्हीं का हाथ, इन्हीं का पैर, इन्हीं का जिस्म, इन्हीं का नाक, इन्हीं का चेहरा, सब कुछ तो यही खुदा हो गए, अब क्या करे, खुदा हो गए, और वो जगह जगह बता रहे हैं कि खुदा कोई और है, मैं सजदा कर रहा हूं भाई, खुदा कोई और है, मैं सजदा कर रहा हूं भैया, वक्त तमाम हो गया, मगर मैं क्या करूं? आप देखें वो कह रहा है मैं सजदा कर रहा हूं, मैं सजदा कर रहा हूं, खुदा कोई और है, मैं नहीं हूं, हाथ मेरा यदुल्लाह तबारक अल्लज़ी बियदिही अल-मुल्क, तवज्जो करें आप, तमाम कायनात की मिल्कियत उसी के हाथ में, अब अल्लाह कह रहा है मेरा हाथ ये है, अब तुम सर पटकते रहो, अब तो ये कायनात का मालिक है, ये कायनात का मालिक है, बड़ी बात है, कायनात का मालिक है, अब कायनात का मालिक है तो सभी मुती हैं, जिसको भी इशारा के इधर से उधर हो गया तो हैरत क्या है, परेशानी क्या है, इधर कैसे हो सकता है? अब यहाँ पर अली ने एक इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कयामत तक के लिए, वरना कुरान था सामने, कुरान ने कहा जैसे ही पहुंचे दरबार में वैसे ही अपने अल्लाह की तारीफ में फरमाया कि अल्लाह वो है कि जो सूरज को मगरिब से निकाल मशरिक से निकालता है और मगरिब पे डूबोता है, मेरा परवरदिगार जो है यहती बिशम से मिनल मशरिक, यही है ना, मशरिक से निकालता है
فاتبہ من المغرب۔ اگر آپ ربانیت کا دعویٰ فرماتے ہیں فرعون صاحب، اے نمرود صاحب، تو آپ جو ہیں اس لیے کہ لکھنؤ میں ہے نا، صحابی لگانا ہے، حضرت بھی لگانا ہے، آداب کے اندر بھی رہنا ہے، ورنہ آپ کہیں گے بدتمیز ہو گئے ہیں۔ معلوم کتنے صاحبوں کا ذکر آ چکا ہے اب تک، سب صاحب، پر ظاہر ہے کہ ان کا آپ نکالیے۔ آپ اگر خدا ہیں، آپ اگر رب ہیں، تو میرے رب کی پہچان مشرق سے نکالتا ہے، آپ نکالیے مغرب سے۔ بہت اللہ کہا، کافر جو ہے مفلوج ہو گئے، یعنی قوت چھوڑ گئی ساتھ۔ اس نے کہا آپ کچھ نہیں کر سکتے، مگر اس کے بعد بھی نہیں مانا کہ اللہ ہے، نہیں مانا کہ یہ رسول اللہ ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تب یہ نہ پوچھئے کہ جب اتنا سا فضیلت بتاتے ہیں آپ، تو پھر مانا کیوں نہیں لوگوں نے؟ اللہ اکبر، کہاں ہیں اتنی فضیلتیں آپ پڑھ گئے، جب اتنی سا فضیلتیں ہیں تو پھر مانا کیوں نہیں لوگوں نے؟ پہلا کریڈٹ کیوں نہیں دیا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ وہاں تو بتا رہا ہے کہ اگر تو نکال لے تو تو جو ہے وہ خدا ہے، وہ کہاں نہیں نکال سکتے، تب تو مان لینا چاہیے کہ اللہ ہے، رسول اللہ ہے۔ ہارنے کے بعد بھی نہیں مانا، اللہ ایک نہیں پچیسوں سال ہارتے رہے، زندگی بھر ہارتے ہیں، نہیں مانا۔ تب نہ پوچھئے کیا نہیں مانا، تو نہیں مانا جو ہے وہ یار کو سمجھا رہا ہے۔ اب دیکھیے آپ، مغرب سے وہ تو نہ نکال سکا، اب میں کہوں یا حضرت ابراہیم آپ ہی نکال دیجیے، آپ کو نبی اللہ آپ ہی نکال دیں، تو اوپر اٹھ کے کہیں میں نے ربانیت کا دعویٰ تو کیا، میں نے تو رسالت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے لیے سب کچھ تو کر رہا ہوں، ربانیت کرتا تو پوچھتا تو، اب آپ نکالا کے سنے۔ اب ان نے مغرب سے نکال دیا، اشارہ کیا پلٹ گیا، مغرب سے آگے مشرق سے اللہ اور مغرب سے یہ، تو قرآنی زبان میں اب تو ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب اگر یہ بیچارے مجبوراً، جن کو آپ جاہل سمجھتے ہیں، یہ اگر کہہ رہے ہیں یہ میرا پروردگار ہے، تو آپ بتائیے کیا غلط کر رہے ہیں، اس لیے کہ مغرب سے تو نکال دیا۔ توجہ رکھیں آپ، بس اتنے ہی پیغام دینے کے لیے تاریخ نے لکھا، اور یاد رکھیے ہم حوضے سے تعلق رکھتے ہیں، معصوم کبھی معصیت نہیں کر سکتا، معصوم کبھی خطا نہیں کر سکتا، کوئی نماز ادا قضا کا تصور نہیں، لکھنے والے جو چاہے لکھ دیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں، اصول و مسلمات کے خلاف نہیں جا سکتے۔ معصوم جو ہے وہ نہیں، اس فضیلت کا مظہر رسول اللہ کو بنانا تھا، توجہ کریں آپ، یہ فضیلت تو مظہر بنایا، اب چونکہ ادھر سے کر دیا، قرآن کا فیصلہ تھا کہ جو ادھر سے نکالے وہ پروردگار، توجہ کریں آپ، تو اس کے خلاف جا نہ سکتا تھا، قیامت تک قرآن کی ہر طریقے سے تبلیغ کے لیے علی آئے، تو قرآن کا تحفظ کرنا علی کا کام تھا، اسی لیے علی نے ادھر سے نکالنے کے بعد قرآن کی طرف دیکھا اور سر سجدے میں رکھا، تاکہ قیامت تک دنیا جان جائے کہ میں بندہ ہوں، وہ اللہ ہے۔ صلوات پر محمد والا، تمام ہو گیا اور ظاہر ہے کہ گنجائش نہیں ہے، لہذا میں یہیں پر بلا استثناء قطع کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو توڑتے ہوئے آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سجدہ علی تھا جس نے قرآن کا تحفظ کیا، ربانیت کو بجایا، ادیب و بہت کچھ آیا تھی، لیکن جو ارادے میں تھا سب خالی نہ کر سکا اور نہ کر سکوں گا، تو ظاہر ہے کہ مجھے ہارنا پڑا، اور میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ قیامت تک اس سجدے کی بنیاد
जो अली इब्न अबी तालिब ने रखी कयामत तक के लिए, इस सजदे की बुनियाद जो अली ने रखी उनके बेटे हुसैन अली मकाम इसकी लाज रख ली, सिर्फ कयामत तक के लिए अब ये सजदा हुसैन के खून से इस तरीके से ताबिता कर दिया गया है कि अब इस सजदे की लाज है कि ये सजदा बाकी रहेगा। अल्लाह इत्मीनान से अपने इस सजदे के ऊपर इत्मीनान रखा है। जो सजदा हुसैन ने किया, देखिए हर एक के अपने अपने मकामात हैं और हर एक की फजीलतें जाहिर होती उनके मौके पर, उनकी जगहों पर, उनके मकामात पर। हुसैन इब्ने अली अगर सजदा ऐसे करते कि हजरत अब्बास खड़े होते, तलवार उठाए होते और उसमें सजदा करते तो उसकी कीमत और होती, लेकिन ऐसे मौके पर कि जब अब्बास नहीं है, अली अकबर नहीं है, कासिम नहीं है, हबीब नहीं है, कोई नजर नहीं आ रहा, मुस्लिम में हौसला नहीं है, इधर उधर देखा वो नजर यमीन शुमारा और उसके बाद पुकारा कि मेरे शेरों किधर हो। अल्लाह आप अंदाजा करें कि मेरी सजदा क्या है, मेरी सजदे की हैसियत क्या है। बस मैंने कभी किसी वक्त कहा था और फिर कहता हूं, ये हुसैन अली मकाम का सजदा है। अली तो अली ने पलटाने के बाद जो सजदा किया उस सजदे से सर उठा लिया था और वो सजदा करके तमाम करके उठे थे, लेकिन हुसैन का सजदा ऐसा, हुसैन ने सर सजदे में रखा है, अली तो सर नहीं उठाया। मैं इसकी अगर नजाकत को आप समझ सकते हो तो समझ लीजिए, अब ये कयामत का सजदा है हुसैन है, ये कहीं से मुतफा ना होगा, सिलसिला जारी है। अनिलो आप देखें शरीयत में है कि अगर आप वजू करके सो जाए और सोने से आपका वजू टूट जाता है, लेकिन हुक्म शरीयत ये है कि अगर आप सो गए बावजू और टूटा नहीं था आपका वजू, लेकिन जैसे ही सोए, सो गए जब तक ना जागेंगे, गर्चे नींद जो है वजू तोड़ देती है, लेकिन ये वजू आपका बाकी है, अल्लाह की निगाह में टूटेगा नहीं, ये बाकी है। बाकी तो ऐसे ही हुसैन का सजदा है, बस सर सजदे में रख दिया, अब अपने अख्तियार से सर सजदे में रखो और अपने अख्तियार से सर सजदे से उठा लो, ये एक सजदा हो गया तुम्हारा। लेकिन हुसैन का वो सजदा है कि अपने अख्तियार से सर सजदे में रखा है, अख्तियार से उठा नहीं सके, बाकी लोग उठा न सके। अब जब सर से सजदा उठेगा, जब सर उठेगा तभी ये सजदा कामिल होगा। बाकी दाने गिरानी मगर उठा कब, किस मौके पे उठा। तो आप देखें भाई, यहां पर एक मतलब भाई याद आया और जैसे ही शुभ ने खंजर रखा, आपने आवाज दिया, ए अब्बा, अरे दौड़ो शिव खंजर चला रहा है, जदा तुम रब को हार रही जदा। अजीजो मैंने दो मंजर ऐसे देखे हैं, मेरी तबीयत तो फिक्र ये कह रही है कि मैं ऐसे मंजर पर ले आऊं कि दोनों भाइयों को इजाले स्वभाव हो, दोनों भाइयों के जरिए से। अजीजो जैसे ही हाथ लगाया इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने, जैसे ही हाथ लगाया आंख बंद हो चुकी थी। आप जानते हैं क्या हुआ था, आंख में मोटाबर मकातिल ये लिखते हैं कि एक आंख में तीन तीर थे और एक में चार तीर थे। हुसैन ने निकाला और पास की आंखों से तीर और खून साफ किया तो आंख खोला था और फिर आंख बंद कर लिया था, आंख बंद किए थे। जैसे ही हाथ मैयत ने लगाया आंख खुल गई और पूछा आपका इरादा क्या है। कहा मेरे भाई अब मैं तुम्हें खैमे तक ले जाऊंगा, इसलिए कि हर शहीद को लेकर जाता था। अल्लाह अकबर, मोहब्बत भाई की मुलाहिजा करें, अपने भाई को सीने से लगाना। बाकी तो हुसैन 57 साल के थे और सुबह से मैयतें उठा रहे थे, कमर छुट चुकी थी और आपके आंखों का हाल अजीब था।
कर रहे हैं, इशारे सवाल कर रहे हैं अपने बाप की याद में, मगर याद किसको कर रहे हैं? बाप को नहीं, हुसैन को, जिसको बाप भी याद करता था, दादा भी याद करता था। नसरन बाजा नसरन अजीजाने गिरामी, आप अंदाजा यह करें कि ये वो जात है। और नजर यमीन व शुमाला, एक मरतबा इधर देखा उधर बुखारा बार, दौड़ो भाई जिबा हो रहा है। अजीजर कोई न था जो मदद के लिए आकर, एक बहन थी जो कभी चिल्लाए जनबी है और कभी खैमे में, एक मरतबा हसरत से देखा बुखारा, नाना आइए आप आ जाइए, कोई जवाब ना आया, आवाज दिया अम्मा आप आ जाइए, कोई जवाब ना आया, दोबारा बाबा नजर से आइए, कोई जवाब ना आया। एक मतलब घबराया कर दो जो ना, अरे तू ही मददगार है, मेरा भाई तना है। अभी तो एक ग्राम अक्ल में मिला, एक मतलब दूसरे साथ को देख के गैरत दिलाई कि तू खड़ा देख रहा है और मेरा मजाया निभा हो रहा है। यहाँ पे मैं खत्म कर देता, लेकिन एक जुमला मिला कि ज़ैनब की फरियाद की सदाएं जब कान में जाने लगी, एक मर्तबा हुसैन ने जहिला के शब्द से पूछा, शेमर ये बताओ मैं कहाँ हूँ? ए शेमर, क्या मैं बुलंदी पे हूँ? क्या मरा? हाँ। शेमर ने जैसे ही कहा, क्या मुझे नशे पे ले चल, मेरी बहन न देख सकेगी। अरे अजीज लिखा है, अब कैसे ले गया मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा माला, अरे करवट लिया, लालिम का खंजर चला, एक आवाज अला कोतल हुसैन बे करबला, अला जिवाल हुसैन बे करबला। बादी तो आवाज कह रहा था, ज़ैनब खैमे से बाहर आवाज दिया, ए भैया मारे नागों से पाला था सवाल में नदी नजर हमारे नफर में नहीं असर में हर तरफ मकाबली हवा मस्तर में मस्तो व्यक्ति यहाँ तो सुन गया लाम हम बनवाले बारे रात जो वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद के माबूद गुनाहा ने कबीरा व सबीरा आठ फरमा ने कामाल की तौफीक इतना है फरमा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद की इबादत को कबूल फरमा। जहाँ जहाँ भी मेहबान आल मोहम्मद उनको हिफ्ज़ अमान में रख, रोज़ाए मुक़द्दस की हिफाज़त फरमा। बारे रहा मरहूमिन की रूह को जवार मासूम में ख़ास तौर से जगाए ना रखें, तमाम मरने वाले मरहूमिन जो मेहबान आल मोहम्मद से उनको जवार मासूम नायक फरमा, तमाम मरीजों को शफा नायक फरमा, जिन जिन लोगों ने दवाओं के लिए कहा उन सबके हवाइश को भर ला। बार ला तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमारे आका और मौला नेमत वली हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम को ज़रूर जल्द असहाब अंसार में शुमार फरमा, तमाम उलमाए आलम का साया हमारे सरों पर महफूज रख। اللهم تقبل مني دعاء بحق محمد وعلى الطاهرين آپ سبھی حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ کو اللہ کے تلاوت فرما کرتے ہیں ان دونوں مرحومین کی روح کو خطیب اکبر و خطیب الارفان کی ارواح تو بخش دیجیے۔